नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का जो ये रिजल्ट है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि रेलवे ने भी ये विकल्प का फिर से जो नया लिंक ओपन किया उसमें आपका नॉमिनेशन स्कोर के अलावा रो मार्क और 100 में जो मार्क्स है और आप कितना सही किए हैं, कितना अटेम्प्ट किए थे और कितना इग्नोर किया गया क्वेश्चन सब उसमें दिखा रहा है। और देखिए इसमें जो ये रेलवे का नॉमिनेशन का जो रिजल्ट दिया है इसमें अधिकांश बच्चों को कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें कोई धांधली या कोई भी इसमें गड़बड़ी रिजल्ट नहीं हुई है। लेकिन देखिए आपको बता देते हैं कि जो ये रिजल्ट दिया है उसमें 3 बच्चों को पास किया है, लेकिन ये भी जानते रहिए कि इसमें जो इसके जो जो जाएगी फाइनल मेरिट उसमें मतलब कितना नंबर बढ़ेगा। जो जो कट ऑफ तो हर जगह ना अप्रोक्सीमेट सेम गया है, लेकिन हर जगह का कट ऑफ जितना लोग उपेक्षा नहीं किए थे उससे भी चला गया है। लेकिन देखिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि जो इसकी फाइनल बनेगी मेरिट वो कैसे बनेगी और इसमें ITI वालों के लिए क्या मिलेगा और जो अप्रेंटिस किए हैं उनको क्या फायदा होगा और जो हाई स्कूल वाले हैं उनके लिए क्या उनके लिए कौन सा पोस्ट मिलेगा। और ये भी है कि इसमें देखिए रेलवे ने बोला भी है कि जो रिजल्ट है उसका 50% रिजल्ट रेलवे स्वयं रखेगा। तो देखिए इसमें आपको बताते हैं कि जिसे देखिए रेलवे का जो रेलवे जो जो रिजल्ट दिया है देखिए इसमें टोटल सीट जिसे टोटल आपका था वैकेंसी अप्रोक्सीमेट 63,000 थी वैकेंसी, तो इसका थ्री टाइम विद्यार्थियों को पास किया है तीनों, इसमें 3 टाइम बच्चे पास हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि यदि तिगुना बच्चे पास हैं तो रेलवे बोला है कि जितने भी सीट हैं उसका 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट हो देगा। तो 63,000 अप्रोक्सीमेट यदि टोटल वैकेंसी है तो इसका 50% यदि जोड़ के निकाल देंगे तो आपका 1.2 लाख इतना रिजल्ट देगा फाइनल रिजल्ट। इतने विद्यार्थियों को रेलवे फाइनल पास करेगा। तो यदि इतने बच्चों को पास करता है और टोटल पास किया है आपका 1.8 इतना लाख बच्चे क्या है पास हैं, इसे 1,80,000 अप्रोक्सीमेट यदि बच्चों को पास किया है और 1.2 लाख बच्चों को रिजल्ट देना है तो देखिए हर जगह जगह का फाइनल मेरिट जो भी जाएगी कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगी, क्योंकि इसमें भी आपका 60,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको बाहर करना है, प्लस इसमें भी जो ये फाइनल जो देगा रेलवे सिलेक्शन वो 1.2 लाख बच्चों को देगा, लेकिन उसमें भी केवल 63,000 बच्चों को देगा सिलेक्शन के लिए पोस्ट, बाकी जो रिजल्ट है वो वेटिंग में रखेगा। अब देखिए इसमें ये भी है कि कुछ बच्चे अगर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि रेलवे ये फिजिकल कराने से पहले यदि 25 से हर जगह का फिजिकल डेट शुरू हो गया है, यदि फिजिकल कराने से पहले यदि ALP का रिजल्ट दे देता है तो समझिए कि अधिकांश बच्चे ये ग्रुप डी का PT छोड़ देंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और चले जाएंगे रेलवे ALP या टेक्नीशियन में, तभी कुछ संभव है कि कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ 2 या 3 नंबर जरूर बढ़ेगा हर जगह का फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि देखिए PT भी उतना कठिन नहीं है जितना मतलब अधिकांश बच्चे छट जाए, आसान दिया है 104 मिनट में आपको दौड़ना है 1 किलोमीटर और 35 किलो का जो वेट है वो 100 मीटर लेग चलना है 2 मिनट में, तो ये भी इतना उतना कठिन नहीं है कि कोई बच्चा उसको कर ना पाए, लेकिन उसमें भी जो बच्चे छटेंगे बहुत कम बच्चे मतलब बाहर होंगे, तो उसमें यही है कि जो उसके फाइनल बनेगी मेरिट वो समझिए कि 2 से 3 अंक जरूर बढ़ेगी। देखिए जो इसका फाइनल कट ऑफ जाएगा फाइनल जितने भी जोन का जिससे जनरल का जिस भी जोन का कटा बना है तो उसमें +2 अंक पक्का जोड़ दीजिए, और OBC का है ये भी जाएगा +2 ऐसी ये समझिए कि मिनिमम एट लिस्ट जितने भी कटा जाएंगे हर जगह का +2 अंक जरूर जाएगा ऊपर, क्योंकि इसमें जो 60,000 बच्चे हैं उसमें से अधिकांश बच्चे बाहर नहीं होंगे और वैसे भी इस समय नौकरी की बहुत वो है इंडिया में किल्लत है, तो लोग ये जरूर सोचेंगे कि कोई ना कोई पहले नौकरी मिलेगी। अगर कोई बच्चा ALP में भी जाता है तभी वो ALP में भी अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है, जैसे रेलवे में रिजल्ट देगा तो उसके बाद अभी साइको टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेडिकल है,
उसके बाद उसकी नियुक्ति पत्र मिलेगी, तब तक इसका सारा पीईटी और एमएड का पूरा हो जाएगा रहेगा। तो लोग इसमें जाएंगे, इसमें ऑप्शन बहुत कम बचे होंगे और इसका फिजिकल भी उतना कठिन नहीं है, इसीलिए समझ जाए कि इसमें जो बनेगा इसके फाइनल मेरिट वो 2 अंक जरूर जाएगा इसमें। और देखिए दी रेलवे ऑफिशियल तो नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन किसी अखबार विभाग इंडिया एक्सप्रेस आती है न्यूज पेपर, उसके माध्यम से बताया गया है कि जो रेलवे का जो एलपी का रिजल्ट आने वाला है वो आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा इसी माह के लास्ट वीक में, जिसे मार्च के लास्ट वीक में उसका रिजल्ट आउट होने की संभावना है। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।